सो गाइस प्रोबेबली ये दोनों हवन के सामान कल ही आए होंगे और मम्मी आज एक यूज कर रही है ऐसा डब्बा और कल एक और यूज करके सब खत्म भाई, सब खत्म, ऐसे सामग्री खत्म होगी। मतलब किसी ने यूट्यूब वीडियो में अपने बोल दिया होगा कि सामग्री से कुछ होता है भाई, तो फिर होता होगा। आज ही देखना, मैं आज ही करूंगी। लेकिन फायदा तो कल होगा ना, उसी समय फायदा होगा, एयर प्यूरिफायर होगी। हम इतना ही तो भैया मम्मी को लगता है कि हम पॉल्यूशन करने से हमारी एयर प्योरीफाई होगी। इसको इसको शुद्ध एयर है, ये गलत चीजों से एयर नहीं हो, धुआं नहीं दे। चलो ये सब ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज को टेस्ला मिल गई, टेस्ला कार आ गई, ले रहे पापा, टेस्ला ले रहे, पापा के संग लेके आऊंगा, टेस्ला लेने आ रहा है। इसके लिए मेरा इस पे वीडियो बन जाएगा ना, जाऊंगी नहीं, करो बात, मजा आएगी। नहीं यही तो लोगों को मजा आती है अच्छे। इंडिया वर्सेस, सो गाइस इंडिया वर्सेस अमेरिका, अमेरिका में लोग वैसे ही उनकी एयर क्लियर होती है बिकॉज वहाँ ट्रीज ज्यादा है और लोग कम। यहाँ ट्रीज कम है लेकिन लोग ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भैया हम लोग ये जला के बोलते हैं एयर प्यूरिफाई हो गई। मतलब मैं कोई बुरा मत मानना गाइस, मैं भी थोड़ा मानता हूँ ये सब, लेकिन अमेरिका में लोग एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं। तो मतलब एयर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग एयर प्यूरिफायर खरीदें कि हवन जलाए, बताओ भाई, ये कमेंट में मेरे को बताओ गाइस। ये अच्छा तुमने क्वेश्चन, इससे क्या होगा ना, लोग तुम्हें गलत नहीं समझेंगे। ये देखिए मम्मी देसी घी भी बहुत सारा डाल चुकी है और अभी और डाली है ताकि अच्छे से वो जो भी होता है हो जाए, जो भी होता है हो जाए। ये क्या है? ये नमक है, सेंधा नमक। नमक का क्या काम? नमक भी डाला है इसमें। नमक क्यों डालना है बताया तो, प्यूरिफिकेशन के लिए ये सारी चीजें मिला के और ये तब बनता है। ये तो घर के लिए नमक मंगाया था, ये डाला। ये क्या है? ये इसका नाम नहीं पता है, ये कलौंजी है, ये जव है, वाओ, ये राई है, कलौंजी जाओ राइट। गाइस आप लोगों को पता है मेरी जनरेशन इतना सब समझ सकती है, और कभी अगर घर पे हवन करना हुआ हम लोगों को तो हम लोग भैया व्हाट्सएप पे भैया लिख दो, हम वहीं पर उनको बोल देंगे दिखा के, है ना। और बाकी जैसे बड़े लोगों को याद रहता है कि हाँ ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, क्योंकि पहले ये सब बहुत होता था और अब की जनरेशन में ये सब बहुत नहीं होता है। जब से हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, तो वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है। हम भी जब छोटे थे तो हमें ये सब चीजें नहीं पता थी। तो मम्मी आपको कब पता चली? धीरे धीरे जैसे खाना वाना बनाने लगे, जैसे कैमरा में देखकर बोले आप, तो लोगों से कनेक्शन बढ़ेगा, कनेक्शन बढ़ेगा लोगों से, सच बता रहा हूँ मैं। तो ये मैंगो ट्री इसकी स्टिक है और ये भी हवन में यूज होगी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट दिखा दिया जाए ब्लॉग में। आज पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर मैं थोड़ा वॉक किया हूँ ना, और अभी देखे मम्मी आपके अंदर भी केमिकल्स आ जाते हैं अगर आप वॉक। यार एक चालान आया है कार का, डाक के थ्रू आया है। मेरे ऊपर चालान है? नहीं कार, मेरी कार है डस्टर। अच्छा उसका कार का चालान है, क्या है क्यों है पता नहीं। तो पढ़े नहीं आप? समन शुल्क 1000 रुपए, 1000 रुपए पेनल्टी लिखा हुआ है और लिखा है 3 दिन के अंदर भुगतान करें नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और चालान भेजने की तिथि लिखी है 15/4 और मिला मुझे 2 दिन पहले। अच्छा हाँ 15/4 मतलब 15/4 मतलब अप्रैल, 15 अप्रैल, और अभी 2 दिन पहले मिला, 2 दिन पहले मिला 9 तारीख को, 9 मई। तो अब ये जो है तुम ये दिया हुआ है इसमें एचटीटी, इस पे जाके इसको भर दो। ये देखो ऑनलाइन एचटीटीपी चालान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DCP, ठीक है। तो गाइस मैं देखता हूँ, ये सब करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब मैं पहली बार कर रहा हूँ खुद, क्योंकि मेरा आज तक चालान नहीं कटा है, मतलब कटा है लेकिन वो वाला कटा है बचपन में जब 15 साल का था, समझ सकते हो 14-15 का। अब तो गाइस पता है मैंने फोटो देखकर बता दिया कि पापा का चालान कहाँ कटा है, देख रहे हो इतना दिमाग है भाई। लखनऊ के रोड हम जानते हैं लेकिन ओल्ड लखनऊ मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि बचपन में जाता था और अब नहीं जाता हूँ, सोया बहुत सालों से नहीं गया ओल्ड लखनऊ टाइप, तो वो सब भी एक्सप्लोर करेंगे एक बार कोविड वोविड सब खत्म हो जाए, ट्रैवल शुरू हो जाए, तो फिर वो सब भी एक्सप्लोर करेंगे। या
पारस फरी ने आइसक्रीम बनाई है टैंग और मैंगो क्रश की। सिरप होता है ना कोई? हाँ, सिरप गाढ़ा सा होता है सिरप से। तो उससे दिखाओ आइसक्रीम कैसी बनी है। तुम लोग ने अभी तक खाई नहीं है ना? मैंने खाई थी। खाने के बाद बताना मेरे को, मैं रात को आऊंगा पूछने। हाँ। ठीक है, बहुत मस्त है। बाय 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 बाय। हम लोग ने आज हेजलनट से पेस्ट्रीज मंगाई थी, जीरा पफ मंगाया था और दो तीन चीजें और मंगाई थी। मैं आपको सारी डिटेल सुनाने लग जाऊंगा तो फिर निकल जाएगा एक दो साल। तो मम्मी अभी पेस्ट्री मांग रहे हैं, मैंने कहा भैया व्लॉग कर लेने दो, थोड़ा व्लॉग में बता लेने दो फिर बताते हैं। देखते हैं कैसी पेस्ट्री आई है। जोमेटो से मंगाई थी मैं, जोमेटो डिलीवरी ड्राइवर बॉयज पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि कोई भी चीज कैसे भी रखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता हूँ गाइज इन डिलीवरी गाइज पे कि यार ये लोग खाना तो इतना बर्बाद नहीं करेंगे। अब स्विगी इनसे बेकार होता जा रहा है, पहले स्विगी इनसे अच्छा था, अब मैं देख रहा हूँ जोमेटो ज्यादा अच्छा हो रहा है। बाकी अभी देखते हैं कैसा है। पेस्ट्री है? हाँ, एक ही मंगाई थी। और खाने के लिए तो है ना मंगाई थी, बस जस्ट टेस्ट के लिए मंगाई थी। सो यार पापा ने अभी मेरे को दिखाने के चक्कर में कि ऐसे गड़बड़ आई, ये इसने किया देखो गाइस। मम्मी का पैर अभी लगा और पूरी पेस्ट्री गिर गई। भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, खाने से पहले बर्बाद होगी। मम्मी ने दो बाइट खा चुकी थी, मम्मी को टेस्ट मिल चुका है। खराब नहीं हुई है, बस थोड़ी सी वो यार बेकार होता है भाई, इन लोगों से मन नहीं करता मेरा बहस करने का। सो गाइस वाव से जो भी मैंने कॉस्मेटिक्स का ऑर्डर मंगाया था वो सब आ चुका है, तो अभी खोलते हैं उसे, लेने जाते हैं। पहले तो मास्क वास्क पहन के, डबल मास्क और हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे। सो यार दिखाता हूँ मैं आपको सब। ले चुके हैं और नहीं मैं सही लगा, कौन सा वाला है? अरे पर तो भैया हम ये रह रहे थे, डिब्बा हमें दे दो, सामान अपनी ले ले। नहीं भाई डिब्बा तो पूरा देखना पड़ेगा ना। देख लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम, डिब्बा आपको क्यों चाहिए? अरे एक्चुअली एक डिब्बा हमारे पास है फटा, हमने डिलीवर कर दिया था। अच्छा, और वो पैसे हमारे जेब से चले गए, तो कस्टमर कह रहा है इस तरह के डिब्बे में पैकिंग होगी तभी वो लेगा, यही दिक्कत है। और हमें कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो पूरा सब भेजना पड़ेगा, आप देख लो पूरा चेक कर लो। हाँ, उसके बाद आप ये ना कह रहे आपको रिटर्न ना करना हो तब, नहीं तो आप ले जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं, खोल के दिखा दो। अब मैं तो एक दिन बाद ही खोलूंगा। तो गाइस इसको पहले यहां रखेंगे, एक दिन सैनिटाइज होगा या 6 घंटा 4-5 घंटा, उसके बाद हम खोलेंगे इस पैकेज को। तो अभी 4 बज रहे हैं तो 5 बजे तक खोल देंगे। 997 रुपीज का पार्सल था वाओ से, तो अभी देखते हैं। ठीक है गाइस, अब ग्लव्स को सैनिटाइज करेंगे थोड़ा बहुत। तो गाइस यहाँ पे सब सैनिटाइज करने के बाद मास्क को सैनिटाइज करते हैं थोड़ा सा।
मास्क को भी सैनिटाइज करना जरूरी है, तो डबल मास्क पहन के गया था मैं पूरा। और अब एकदम लास्ट में हम अपना हाथ और मुंह धोएंगे ताकि सेफ्टी मेंटेन रह सके घर में, जो बहुत जरूरी चीज है आपके लिए और आपकी फैमिली वालों के लिए। तो आप लोग भी इस गौर बात पे ध्यान दें कि अगर आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं कुछ बाहर से तो प्लीज हाथ में ग्लव्स पहन कर लें, या फिर अगर नहीं ले रहे हैं तो उसे 2 दिन क्वारंटाइन में रखिए उस चीज को। इससे भी बहुत फैला है और इससे भी फैल रहा है, तो आप लोग को ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोग अपना सामान बाहर से मंगाते हैं, खाने से लेकर एक एक चीज़ तक छोटी छोटी, तो कृपया करके आप ये वाला रूल फॉलो करें। धन्यवाद। सुबह या शाम हो चुकी है और शाम के बजे हैं 5:30, मतलब 6:45 हो रहा है, और मम्मी अभी चाय बना के ला रही है, बिकॉज मेरे को चाय पीनी थी क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी। मैंने अभी अभी व्लॉग अपलोड किया है अपना, व्लॉग 4, जिसमें मतलब जो मेरा कुकिंग क्लासेस विद डैड वाला वीडियो था, उस वो वाला वीडियो मैंने अभी डाला है, मतलब वो वाला व्लॉग। और भाई क्या बताऊँ, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना मेरा दिल वाह वाह कहता है यार, मतलब मैं मन करता है और डालो। मेरा तो मन कर रहा है आज दूसरा ब्लॉग भी डाल दूं बना के, मतलब मेरे पास शूट पड़ा हुआ है वीडियोस, तो मैं डाल दूं एडिट करके, तो देख रहा हूँ क्या से क्या हो सकता है, वरना कल डाल दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग जो होने वाला है भाई हवन वाला, वो वाला बेस्ट होने वाला है, वन ऑफ द मतलब यू कांट इवन इमेजिन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लॉग्स। एंड देन आज मैं अभी टाइम लैप्स ऊपर लेने जाऊंगा, थोड़े से बादल दिख रहे हैं मेरे को, बाकी आज मेरे को लग रहा है बारिश होने वाली है, बिकॉज आज मैंने चेक भी कर लिया है कि बारिश होगी 9 बजे से या 8 बजे से बारिश होगी, तो देख रहे हैं अभी मौसम बदल रहा है, तो जल्दी से हम चाय लेकर ऊपर जाते हैं छत पे और एंजॉय करते हैं थोड़े व्यूज, आप लोग के लिए टाइम लैप्स लेते हैं 10 मिनट, छोटा सा होगा टाइम लैप्स, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं जितने बादल कैप्चर कर सकता हूँ उतने बादल आप लोग को कैप्चर करके दिखाऊंगा उस टाइम लैप्स में। और यहाँ चाय भी आ गई, सो मम्मी चाय और टोस्ट ले आई है, तो अभी चाय और टोस्ट खाएंगे पियेंगे, चाय और टोस्ट हम नीचे खाते हैं, तब तक आप लोग के लिए टाइम लैप्स ऊपर लगा के आते हैं। सो गाइस, पिछले कुछ व्लॉग से मैं आपको जो कंटेंट देना चाहता था वो मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा था, तो इसीलिए मेरा जो पहले जैसा कंटेंट था, मतलब मैं अकेले आता था, फैमिली व्लॉग ज्यादा होते नहीं थे, लेकिन अब मैंने फैमिली के साथ घुलना मिलना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत ईजी लगता है, और कभी कभी मैं बहुत लाइफ से मतलब ज्यादा बातें कर देता हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो गाइस मैंने अभी ये डिसीजन लिया है कि अभी थोड़ा मैं ज्यादा फैमिली को नहीं लाऊंगा व्लॉग्स में, बिकॉज यार इट्स गेटिंग वेरी पर्सनल और सम थिंग्स आर रियली नॉट शेयरेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैं अकेले अपने ब्लॉग्स बनाऊंगा, एंड मैंने अभी सोचा है कि 8:30 बजे तक मैं सो जाऊं और 8 बजे तक मैंने खाना खा लूं, ताकि मैं सुबह मतलब 4-5 बजे तक उठ जाऊं, अपना मेरे को एडिटिंग करने का भी टाइम मिल जाए, अपना मेरे को रनिंग करने का भी टाइम मिल जाए, ठीक है, तो और व्लॉग शूट करने का भी टाइम मिल जाए, तो उसी के लिए हम वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो या, और जो वाव के प्रोडक्ट्स आए ना, वो आपको शायद कल के व्लॉग में खुलते हुए मिलेंगे, बिकॉज आज तो मैं क्वारंटाइन रखूंगा 1 दिन पूरा, कल ही खोलूंगा, कल या परसों। सो या, आप लोगों को उसी समय दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं गाइज अगले व्लॉग में। अगर ये आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और उनको भी कह देना सब्सक्राइब करने के लिए। कमेंट में बताना कैसा लगा ये व्लॉग, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज मैं अभी चाची के आया हूँ, और पिद्दू सबसे बेस्ट लगता है मुझे चाची के यहाँ। पिद्दू देखो, तुम लोग भी लगते हो। हाँ, और मोमोस कैसा है चाची का? बहुत अच्छा। अब ये तो चाची के बच्चों से रिव्यू सुना है, अब मेरे से भी सुनिए। मैं फिलहाल अभी सोने जा रहा था, बस बेड पे लेटने ही वाला था, चाची का कॉल आ गया तो फिर मैंने कहा भाई मोमोस तो नहीं छोड़ना है, तो मोमोस खा के ही सोऊंगा। जल्दी सो जाते हैं। हाँ, आज मैं जल्दी सोने वाला था ना, क्यों?
क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, फिर व्लॉग नया बनाना है, फिर उसे नहीं आ रहा है। तो अब चाची ने जो मोमोज बनाए हैं हम ट्राई करते हैं। तो गाइस पहली बात यहाँ दिखाओ, तो पहली बात तो ये वेज मोमोज है, तो ट्राई करते हैं। और लाल चटनी एकदम वही वाली लग रही है, एकदम भाई एकदम बाजारी मेड है ना पितू, एकदम उसकी तरह नैनीताल के मोमोज की तरह बहुत अच्छा होता है वहाँ का, तो मैंने खाया है। एट लास्ट मैं चाची को थैंक यू कहना चाहूंगा बिकॉज उनने इतना अच्छा मोमोज खिलाया, एकदम जो पहाड़ों वाला मोमोज नहीं होता लाइक जो नैनीताल में मिलता है हिमाचल प्रदेश में, मतलब नैनीताल के तो मोमोज ऑसम है, तो एकदम वैसे वाली मोमोज से मजा आ गया। थैंक यू चाची। तो भैया मुझे पता है आप लोग ट्रैवल बहुत मिस कर रहे हो, तो मेरे पास ट्रैवल व्लॉग्स पड़े हुए हैं लेकिन आधे अधूरे हैं, तो मैं चाहता हूँ यार मेरे को पहले मैं अच्छे से रिस्टोर कर लूँ, क्योंकि मेरा जिस फोन में वो पड़े हैं ना उस फोन का चार्जर नहीं मिल रहा है, और उस फोन को चार्ज करने के लिए मतलब उस फोन में बैटरी भी नहीं है, तो मैं फाइल्स वहां से निकालूं कैसे यार, मेरे को बस वही दिक्कत आ रही है बाकी।